साल में एक दिन शोहर को सलाम करना चाहिए। वो लोग ये के दिन करते ईद में, ईदगाह से आइए एकदम चौकीदार के दूरी हम खड़ी है। अरे बाप, लगता है एकदम कमांडर फोर्स है। ईदगाह से आइए, घर कहाँ घुस पाइएगा, जोश होश बात में अस्सलाम वालेकुम, ये छावड़ा हो, ये गड़ी हो, ये किशमिश हो, ये दूध हो, खा ले नहा ले, घुड़मुड़िया मर ले, कल से फटाफटी आ गया घर। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब बीवी नहीं करती है, वो बीवी करती है जो पहले ईद में कपड़ा खोल के देखे, अगर कपड़ा ठीक ठाक ईद में निकला तो अब सलाम ठीक ठाक मुंह से निकला, कपड़ा ठीक ठाक नहीं मोटा मोटी निकला तो सलाम भी फुसके फुसके निकला। कपड़ा मोटा मोटी सलाम, ये हमारे मुसलमान है, लेकिन कल नबी की बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है, मौला अली का घर है, अली बाहर है, बीवी अंदर है, अली तजारत में है, बीवी फातिमा इबादत में है। जब तक मौला अली घर ना आते, बीबी फातिमा खाना तक ना खाती, जब तक ना आते इंतजार करती, नमाज ईशा पढ़ लेती, मुसल्ले में बैठ के तस्बीह पढ़ा करती, और जब नींद आने लगती कुरान खोल खोल के तलावत करने लगती, ताकि शोहर भी आ जाएंगे साथ में तलावत कुरान भी हो। आज हमारे घर की बहू बेटी क्यों, वो लोग जानती है ये शोहर नहीं खिलौना है। शोहर 20 साल पहले था, जब तिलक नहीं लेता था, डीजे नहीं बजाता था, पड़ाका नहीं फोड़ता था। आजकल का बाराती, अरे बाप, 15,000 का डीजे अलग, दो झोला पड़ाका अलग, 150 बाराती नाम पे आतंकवादी अलग, समधी लेके चला है, लगता समधी ने आतंकवादी गांव में घुस रहा है, उधर पड़ाका फूट रहा है, और दूल्हा वो सेहला, वो पगड़ी, वो जुब्बा, वो हुब्बा, वो इत्र, वो ताज पहना के लाया है, लगता दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा लाया है। अजब नक्शा फरसा, अजब हाल, इमाम लोग परेशान, हम लोग कहते नाच गाना बजाना शादी ब्याह बंद करो। बोला आज मौलवी तोलवी बात ना चलतो, आज मौलवी तोलवी तो नहीं सुतरो, आज ये लड़कों ने सब ना मानतो, ये सब मताल हो ना तू सर, कूद रहा है नाच रहा है। शादी के टाइम में भीड़, पड़ाका के टाइम में भीड़, खाने के टाइम में भीड़, और आया है जिस काम से, देखिए 1 बजे रात तमाम लोग खा पी के हवा, सिर्फ दुल्हा चौक चमचम रहा मुर्गी तरफ, दोनों बहन दोनों तरफ देख रहा है, कहीं कुतवा तो उठक नहीं लगे दुल्हा, चुपचाप टुकुर 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 दुल्हा हिल रहा है, दो चार गो मेहमान कुटुम्ब अगर बहनों ही सब है, खाली उठ के देख लेता फिर बोलना भी जिंदे है नया हो सोच। इमाम साहब रजिस्टर लेके आया, कोई कहीं नहीं, एक दो बूढ़ा टुकुर टुकुर, हम लोग बोलते चाचा आपका नाम गवाही में दे देंगे, आप नाम लिख पाइएगा, तो बुढ़वन सब चाचा गवाही में नाम देंगे, नमवा लिख पाते हैं, चलतो अंगठुआ देगा, ये चलतो कि ना चलतो, हमारा रतियम चल जाए। अजब अजब मुसलमान है कसम खुदा की, नबी की सुन्नत के टाइम में नहीं, खुतबा के टाइम में नहीं, खुनका के टाइम में नहीं, वो कलमे के टाइम में नहीं, कुरान की तलावत के टाइम में नहीं, दुआ के टाइम में नहीं, नाच के टाइम में भीड़, पड़ाके के टाइम में भीड़, खाने के टाइम में भीड़। हे मुसलमानों, इस्लाम को तू नहीं मिटा सकता, मिटाने वाले मिट गए, तुम इस्लाम पे अमल करोगे, सुन्नतों को सीनों से लगाओगे, कल हुसैन का झंडा होगा, हुसैन के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। आप लोग थक गए, मुझको कहा था हजरत करबला, हम सोचे थे आज करबला ही पर बोलेंगे, तो कहा कि बहुत ज्यादा हजरत बोले तो करबला पर, आप थोड़ा इसलिए मुआशरा पर बोलिएगा, कोई हालात हालात फरमाइश हुई तो मैंने बोला चलो, आप लोग बिल्कुल थक गए, जो भी 150-10-20 था सब खत्म, अब चुपचाप बैठिए है ना, है क्या, क्या? अरे देखिए मेरी तकरीर में अभी शायर लोग आया ना, नकीब साहब आए, हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, हम कहीं चुपचाप सूत जाओ, टेंशन खत्म है। एगो बात बोलियो हम, अरे बोल दियो कि गुस्सा उसे नहीं कर, तोर बस्ती में दस्ते क्या गाछ हो, इसी तरह अगर आना, देखिए मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए,
तकरी समझ में आए तो गोल उठा के इधर आ जाए, एक मतलब पांच छह गो आ जाइएगा जलसा और जम जाएगा। जलसा कब जमता है? जब इनाम ज्यादा मिलता है, जलसा जम गया। अभी नकीब साहब नहीं बोला आपका जलसा जम गया, यहाँ जम गया, जलसा जम गया। अरे हाँ, दस से बीस बढ़ा, बीस से पचास आएगा, पचास से सौ, उसके बाद हम बेहोश हो जाएंगे। अरे माशा, अरे अब देखिए सौ आ गया, हाँ अभी थोड़ा बहुत होश बचा है, दो सौ आ गया तो बेहोश, पांच सौ मिल गया तमाम चले जाएंगे, बेहोश हाथ नहीं रहेगा। ये अल्लाह बहुत बड़ा का, माँ बहने आप बैठे हैं, दो चार खुराक आपको भी दे देंगे, बहुत जरूरी है, बहु बेटी के लिए बहुत जरूरी है। इन लोगों को जहाँ मना कीजिए वहीं जाएंगे, जहाँ कहिएगा नहीं वहाँ नहीं। आजकल तो मर्द लोग बाजार का आप तो मार्केट औरतें करने लगी, ईद में कपड़ा ला के दीजिए पसंद नहीं, मौला अली ला के देते थे, फातिमा सीने से लगाती थी, आंखों में बसाती थी मौला अली से, उनकी बीवी बीवी फातिमा फरमाती थी, मेरे सरताज आपकी खुशी है, आप राजी है तो आपकी रजा में मैं भी राजी हूँ, हर शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, हर रब राजी होगा तो सब राजी होगा। लेकिन आजकल के बहू बेटी कहाँ है, शोहर को सलाम तक नहीं करती। ये नौजवान भी पैगाम आज लेके जाओ, अगर आपकी बीवी सलाम नहीं करती है ना, तो अब की जुम्मा पढ़ के तुम आओगे जिस दिन, आज कौन दिन है, मंगल सोमवार, मंगल है ना, दो दिन के बाद जुम्मा पड़ेगा, जुम्मा पढ़ के आना, बीवी को सलाम करना, तू अपनी बीवी को कसम खुदा के घर के माहौल बदलेगा, बीवी सोचेगी हम नहीं करते थे इसलिए मेरा शोहर कर रहा है, अब की जुम्मा से हम करेंगे, अगला जुम्मा वो तैयार रहेगी। इसलिए कि अगर कोई बीवी पहले अपने शोहर को सलाम करती है तो ये बीवी फातिमा की सुन्नत होती है, और अगर कोई शोहर अपनी बीवी को सलाम कर दे ये मौला अली की सुन्नत। तो कीजिएगा ना आपकी जुमा, कहिए ट्रायल मारिए, एक जगह तकरीर कर दिए, लड़का अमल कर लिया, करके घर आ गया, जुमा आया, लड़का जुमा पढ़ के आया, बोला झारखंडी बाबा तकरी किए थे कि शोहर सलाम करे तो हजरत अली की सुन्नत, बीवी पहले करे तो बीवी फातिमा की सुन्नत, उसने सोचा चलो आज हम ही सुन्नत अदा कर, अंदर घुसा, बीवी कुछ काम कर रही थी, शोहर इधर से थाएं से पहुंचा, बीवी काम में मशगूल थी, जुमा पढ़ के आया, सीधे शोहर जाके कहा अस्सलामु अलैकुम, बीवी उठ के खड़ी, तो इतने धाधा कह लग लिया आजकल तो थथनुमा बहे के लोग की बात हो, मार भी की, अस्सलामुअलैकुम, तो जुमा दिन तो थथनुमा ठीक ना रहता कि कम से कम जुमा में पढ़ के ना ठीक से बोल, या इलाही रहम फरमा, नहीं होगा तो इन साल अब की जुमा आप चेक करके देखिए, खाली मुंह में देखेंगे कि मन में मार भी की, चूंकि हम लोगों ने कभी बेटियों को बहुओं को पढ़ाने की कोशिश नहीं किया, आज हमारी बेटी हाथ है मोबाइल है, बेटा हाथ है मोबाइल है, बहू के हाथ है मोबाइल है, मोबाइल देख के सो रही है, मोबाइल देख के खा रही है, सोते वक्त टीवी देखते वक्त मोबाइल, एलसीडी फिल्म क्या कहते हैं एल सीरियल देख देख के सो रही है, बच्चा पेट में पल रहा है माँ सीरियल देख के सो रही है, बच्चा पेट में माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा पेट में माँ टीवी देख रही है, और जब वो बच्चा पैदा हो रहा है तो क्या हो रहा है पता है, माँ टीवी सीडी देख के सोएगी तो बेटा गुलाम है खास नहीं, गुलाम है फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम है डीजे पैदा हो गया, गुलाम है चना कटिंग घूम गया, गुलाम है बोतल आ गया। अगर आज की बहू बेटियां कनीजे फातिमा बन जाए, आज ही बेटा गुलाम हुसैन पैदा हो सकता है। आज का बेटा इतना बिगड़ा है, गले में ये सिकड़ी, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, कटिंग बाल का देखना पूरा उड़ा दिया है, और बीच वाला ऐसे खड़ा करके गिरा दिया है, लगता है मूड नहीं खजूर के गाछ घूम रहा है, और पेंट काट लिया, फाड़ लिया, साट लिया, इतना बड़ा बड़ा पेंट, हम बोले इसे क्या पहन रहा है बेटा, बोला आप लोग मूड भी मौला इस चक्कर में मत पड़िए, ये 2022 का आखिरी स्टाइल है, हम बोले बेटा 2023 में एक पेंट आ गया बेटा जिसमें एक गोल रहेगा बेटा, एक गोल नहीं रहेगा, वो सुपर स्टार होगा,
2024 में लोग पेंट खरीदेगा बेटा, पहनेगा नहीं, गर्दन में लेके चलते रहेगा बेटा। उनसे पहले अपने बेटों को इतना पढ़ा दो कुरान, इतनी शरीयत की जानकारी करा दो ताकि बेटा गलियों में घूमे, हाथ में मोबाइल लेके फ्री फायर ना खेले, बल्कि रात को जल्दी सोए, सुबह को जल्दी उठे, सर पे टोपी पहने, वजू का चेहरा रहे, सीने में कुरान सजाए, हाथ में रहल ले ले, मक्तब में पहुंच जाए, इमाम के सामने बैठे, कुरान को खोले, बेटा रहमान और रहीम बोलेगा, तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शे जाएगा। आज तेरा बेटा स्कूल छोड़ दिया, मक्तब छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, कहाँ गुजरात बॉम्बे सूरत में लड़का जाके 15,000-18,000 में ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है? हमारे झारखंड में कम पैसा है क्या? सब बिहार वाला झारखंड भर गया, उधर वाले झारखंड में आ रहे हैं, सबका लड़का बैग लेके जाता लगता कहीं से भाग क्या रहा है। एगो बच्चा बीवी बुतरू घर में है, डेली फोन 9 बज रहा है, खैली कि ना खैली, बोले निया चल गेलो मैया कहां, बोले ना कृष्ण पाल चलो रहलो बतिया बान। वाह रे नौजवान, पढ़ो और आगे बढ़ो, स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, अपने मकतब यही पढ़ो, बहुत कुछ है हमारे झारखंड में। आज हमारे बेटे खासकर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के हर शहर में मिलेगा, क्यों? हमने कभी बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। हमारे तीन तीन पांच पांच बच्चे हैं, घर मकान बहुत बड़ा बड़ा बना लिए, मार्बल टाइल्स गेट लेट फिट गेट सेट गेट बाथरूम सब कुछ, लेकिन बच्चा अनपढ़ है। बच्चों को पढ़ाओ, तब जब तेरा बच्चा जब पढ़ेगा तो हुसैन के नाम पर डांस नहीं करेगा, करबला के नाम पर नाच नहीं करेगा, करबला के नाम पर डीजे नहीं बजाएगा, बल्कि तेरा बेटा जब जब झंडा देखेगा हुसैन की याद मनाएगा, आंख में आंसू के नमी होंगे, दिल में धड़कन होगा, जुबान से कहेगा हुसैन तूने सब कुछ दे दिया, नाना के शरीयत को नहीं बचने बचा लिया, उसी शरीयत पे हम अमल करेंगे और कल मैदान महशर में हम तेरे साथ रहेंगे। आज अपने बच्चों को सुधारो, बहु बेटियों से कहो कि वो भी नमाज पढ़े, मर्द तो जुमा वगैरह पढ़बो करता है, औरतें बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ती। इन लोगों को पानी पढ़वा के ला दो, ताबीज ला दो, कहीं पीर है कहाँ फकीर है कहाँ बाबा है कहाँ झोल झाल है, यही सब खोजेगा। एक जगह गए वो झारखंडी बाबा, एक बोतल पानी यहाँ पढ़ दीजिएगा, हम बोले एक बोतल कहाँ पढ़ते, हम चंपा कले पढ़ने लगे, पढ़ने छोड़ दिया, चपाकल दिखाओ फूंक देंगे, खानदान को तिया हिलाते रहो पीते रहो नहाते रहो, नमाज पढ़ना नहीं खाली पढ़ने पर भरोसा है, अजब अजब माहौल है। इसलिए मेरी माँ बहने, आप अपने घरों के अंदर रहना, शोहर बाहर से घर आए तो अपने शोहर के सामने जाना, हाथ में एक गिलास पानी लेना, अपने शोहर के हाथ में दे देना, उनके बगल में बैठ जाना, उनके गम में शामिल होना, जिहाद का सवाब मिलेगा। माँ बहने तो अपने शोहर के नाम पे सिंगार करना, दो रिकत नफल नमाज का सवाब मिलेगा, सिंगार करके गैर मर्दों को मत दिखाना, अपने शोहर को दिखाना तो सवाब मिलेगा, और अपने चेहरे को छुपाना। कल मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुमा के दिन में 61 हिजरी में चारों तरफ दुश्मन ने घेरा, योम आशूरा का दिन था, वो जुमा का दिन था, मेरे इमाम शहीद हो गए, बेटे शहीद हो गए, भतीजे शहीद हो गए, सब चले गए तन्हा, इमाम ज़ैनुलाबदीन खेमे में बीमार कर रहे थे, चंद औरतें 5 या 6 औरतें करबला में बच गई, असर और मगरिब का टाइम था, 4 दिन से सभी लोग प्यासे थे, मैदान करबला में हाहाकार मचा था, गम में सब डूब चुके थे, यजीदी लोग जश्न मना रहा था, फतह का ढोल बजा रहा था, नक्कारे की आवाज आ रही थी, खेमा जला करके जश्न मना के चिल्ला रहा था, इमाम हुसैन के खेमे में चंद औरतें दुबकी सहमी बैठी हुई थी, एक बेटा ज़ैनुलाबदीन था जो बीमार से कर्रा रहे थे, सभी उन्हीं के सामने बैठे थे, 4 दिन हो चुका था, किसी के मुंह में पानी नहीं, किसी के मुंह में दाना नहीं, सूरज डूबने के करीब हो रहा है, योम आशूरा जिस दिन हम लोग मेले में सब घूमते हैं, बड़ा बड़ा जुलूस में हम लोग घूमते हैं, जिस दिन बड़े बड़े जुलूसों में हमारी बहु बेटियां घूमती है, उस वक्त मैदान करबला में 4 दिन के प्यासे सभी लोग अपने ज़ैनुलाबदीन के बगल में बैठ गई, सभी लोग गम में डूब गए,
जैनब बीवी सोचने लगी अब क्या होगा, भाई चले गए, बेटा चला गया, भतीजा चला गया, एक भतीजा है वो बीमार है, हम लोग चंद औरतें हैं, यजीद ने घेर लिया, अब क्या करेंगे, चार दिन से पानी खाना दोनों नहीं, यही सोच में पड़े हुए थे, इतने में एक औरत की आवाज आती है, ए जैनब अस्सलाम वालेकुम। जैनब चौंक गई, या अल्लाह करबला में आज सलाम किसने किया, अब तक तो सुमने सुमो ने जुल्म किया, सबों ने पानी बंद किया, खाना बंद किया, दाना बंद किया, यहाँ तक के भूखा प्यासा रखा, सबको शहीद कर दिया, सलाम किसने किया। जैनब उड़ के चेहरे को मोड़ती है, देखती है कि एक नकाब पोश औरत खड़ी है, चुपचाप गुम है, औरत रो रही अंदर से। जैनब फरमाती, तू कौन हो? इतने में औरत अपने नकाब से एक गिलास निकालती, पानी का भरा हुआ गिलास जैनब सैयदा जैनब के हाथ में देती है, मैदान करबला में, यूं मैं आशूरा के दिन में, जिस दिन मेरे इमाम शहीद हो गए, असर मगरिब का टाइम हो रहा था, सूरज डूबने के करीब हो रहा था, चारों तरफ करबला में सन्नाटा छाया था, ए जैनब मैं एक गिलास पानी लेके आई हूँ, जैनब इसको पकड़ ले, इसको पी ले। सैयदा जैनब चुपचाप गुमसुम बैठी है, ए जैनब पी ले, ए जैनब पकड़ ले। सैयदा जैनब गिलास नहीं पकड़ रही है, तब वो औरत रो के कहने लगी, ए जैनब तेरे भाई का हुसैन का वास्ता है, तू गिलास पकड़ ले, इतना कहना था। सैयदा जैनब गिलास को पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद चुपचाप गिलास देखती है, कहा तू पहले बता तू है कौन, कहा ए जैनब मैं नुमान बिन बशीर की बीवी हूँ, जो यहाँ का पहले गवर्नर था, इब्ने ज़ियाद आया उनको माजूर कर दिया, हम लोग अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, ए जैनब आज तू करबला से प्यासी चली जाएगी ना जैनब, हम तेरे माँ को कल मैदाने महशर में बीवी फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगे। जैनब एक घोट खुदा के वास्ते पी ले, ए जैनब पी ले, गौर करो मुसलमानों, चार दिन के बाद एक गिलास पानी मैदाने करबला में आया था। सैयदा जैनब पानी पकड़ लेती है, ए जैनब एक घोट पी ले, जैनब ए जैनब एक घोट पी ले, वो औरत नुमान बिन बशीर की बीवी असरार करने लगी। चार दिन के बाद उस गिलास को पकड़ती है, हाथ में लेती है, होंठ के करीब ले जाती है, सैयदा जैनब चूं ही पीने की कोशिश करती है। सैयदा सकीना इमाम हुसैन की छोटी साहबजादी जमीन में सो के सिसक पड़ी, सैयदा सकीना को सिसक सुन करके सैयदा जैनब ने गिलास को मुंह से हटाती है, अपनी बेटी अपनी भतीजी सैयदा सकीना के पास आती है, ए बेटी तू छोटी है, बेटी तुझे ज्यादा प्यास लगी होगी, पहले गिलास तू पकड़, तू पहले पानी पी, और करो मुसलमानों, चार दिन के बाद एक गिलास पानी मैदाने करबला में सैयदा सकीना के हाथ में, और वो मैदाने करबला में असर मगरिब के टाइम, सूरज डूबने के करीब है, अंधेरा छाने के करीब है, औरतें डरने लगी, सहमने लगी, क्या मगरिब हो जाएगा, अब क्या होगा, और करो मुसलमानों, अब सैयदा सकीना पानी पकड़ती है, करीब ले जाती है, ठीक पीने की कोशिश करती है, इतने में सैयद ज़ैनब आबिदीन खून खेमे के कोने से कर्राट की आवाज आई, सैयदा सकीना बोल पड़ी, फूफू जान ये पानी मुझे मत पिला, फूफू ये पानी मैं नहीं पीऊंगी, फूफू पहले मेरी भाई को पिला जो कई दिन से बीमार खेमे में कर्रा रहे, फूफू पहले उसे पानी दे दे। अब वो सैयदा सकीना होंठ में सदा के पानी नहीं पीती है मुसलमानों, चार दिन के बाद पानी मिला, होंठ में आया के नीचे नहीं गया, फिर सैयदा जैनब जाती है, अपने ज़ैनुल आबिदीन भतीजे को उठा के बैठाती है, ए मेरे लाल आखिरी चिराग एक घोंट पी ले बेटा, एक घोंट पी ले, हल्का सूख चुका है बेटा, सांस लेने में तकलीफ हो रही बेटा। इतने में इमाम हुसैन के बेटे मैदान करबला में ज़ैनुल आबिदीन बोल पड़े, ए फूफू जान क्या मेरे बाबा पानी लेके नारे बरात से आ गए। इतना सुनना था, जैनब की आंखें बरसने लगी, कहा बेटा मेरे लाल अब तेरा बाबा करबला के मैदान में पानी लेके नहीं आएगा, अरे तेरे बाबा तो नाना रसूलुल्लाह के गोद में बैठ के हौजे कौसर पी रहा है, हे बेटा एक घोट पी ले ताकि सांस लेने में आसानी होगी। इतने में सैयदा जैनब के हाथ से ज़ैनुल आबिदीन गिलास पकड़ते हैं, चार दिन के बाद उठा है, मैदान करबला में बैठा है, बुखार है, गिलास पकड़ा, हाथ कांपने लगा, हाथ कांपने लगे, उसी आलम में मुंह में सटाया, ठीक पीने की कोशिश की, माँ पे नजर पड़ती है, ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ए फूफू जान करीब आई, कहा क्या बात है बेटा, कहा मेरी माँ को पहले पानी पिला, मैं नहीं पीऊंगी, पहले मेरी माँ को पिला, मैं नहीं पी सकता, पहले मेरी माँ को दे, जिस माँ के सामने मैं जवान बेटा छोटे बच्चे शोहर चला जाए।
उनको कितनी प्यास लगी होगी। गौर करो, फिर वो पानी से लाबिदिन नहीं पीता है, फिर उसकी लाश में सैयदा ज़ैनब लेती है शहरबानों के हाथ में। ए बीवी एक घंट पी ले, बीवी एक घंट पी ले। चार दिन के बाद सूरज डूबने के करीब यजीद का जश्न चल रहा है, खेमे में मातम फैला है, नकाब पोश औरत खड़ी है, पानी का गिलास देख रही है, घूम रहा है करबला में, पी नहीं रहा कोई, दुनिया हैरत में है। सैयदा ज़ैनब देती है, बीवी शहरबानों गिलास पकड़ती है, पानी देखते 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 मैदान करबला में शहरबानों चिल्लाने लगी, ए ज़ैनब ये गिलास मुझको मत दिखा, ये पानी मुझे मत दिखा। ज़ैनब जिनका छह माह का बेटा बाप के गोद में दम तोड़ दे, उनकी माँ बैठ के करबला में पानी नहीं पी सकती। ज़ैनब जिनका जवान बेटा अपने बाप की जुबान को चूस चूस के दुनिया छोड़ दे, उनकी माँ करबला में पानी नहीं पी सकती। ज़ैनब जिनका 56 साल का शोहर 3 दिन के भूखे प्यासे दुश्मनों से लड़ते लड़ते जवान बेटा भतीजा का लाश ढोते ढोते जिनका शोहर शहीद हो जाए, उनकी बीवी करबला में पानी नहीं पी सकती। ज़ैनब दुनिया हैरत में, एक गिलास पानी नौमान बिन बशीर की बीवी 4 दिन के बाद करबला के मैदान में लेके आई, लेकिन वो देख रही है, दुनिया कर रही है, ए नाना की उम्मतियों अगर सब्र देखना हो तो करबला देख लो, मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो तो करबला देख लो, तलावत देखना हो तो करबला देख लो, सजदा देखना हो तो करबला देख लो, रुकू देखना हो तो करबला देख लो, कयाम देखना हो तो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो तो करबला देख लो, माँ बेटे की मोहब्बत देखनी हो तो करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत देखना हो तो करबला देख लो, मामा भांजा का प्यार देखना हो तो करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम देखना हो तो करबला देख लो, पूरी दुनिया में अगर जिंदगी गुजारने का तरीका देखना हो तो करबला। कत्ले हुसैन असलम में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद फिर रात आती है, बात बढ़ती है, मामला होता है, 4 बज गया है, फिर अजान होगी, फिर सलाम पढ़ेंगे, फिर दुआ होंगे, फिर लोग घर जाएंगे। मेरी तकरीब 2-2.5 घंटा होती है, मैं तो इरादा करके आया था कि शुरू से आखिर तक करबला सुना के राजगढ़ में जाएंगे, ताकि लोग जान जाए करबला क्या चीज है। मदीने से शुरू होता है, मदीने में आके खत्म होता है। मेरे इमाम की उम्र 56 साल 4 महीना 5 महीना 4 दिन थी, यजीद की उम्र 36 साल की थी, यजीद करबला नहीं आया था, इब्ने ज़ियाद की गवर्नर था, उम्र साथ की कमांडरी थी। मेरे इमाम को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया, इमाम शहीद हो गए, इस्लाम बच गया, इस्लाम हरा है, झंडा हरा है, कुरान जिंदा है, सजदा जिंदा है, सुन्नी मुसलमान जिंदा। Yeah.